इर्सा मेरी बात सुनो, इर्सा एक मिनट छोड़ो, एक मिनट नहीं, मेरी बात सुनो, तुम गलतफहमी का शिकार हो रही, जैसा तुम समझो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कॉफी लेकर आई थी मेरे लिए, मुझे कॉफी देते हुए उसके हाथ पे गिर गई। मैंने सिर्फ उसका हाथ इसलिए थामा था कहीं उसका हाथ तो नहीं जला। और कितनी सफाइयां देंगे आप मुझे? क्या मैं नहीं जानती कि आपके और फरियाल के दरमियान क्या चल रहा है? मैं एक दिन के लिए क्या बाहर गई? आपको लगा कि आपको आजादी मिल गई है, आपका जो दिल में आएगा आप करेंगे। पहले तो मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए गई थी ना, अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ ताकि आपका जो दिल में आता है आप करेंगे। एक मिनट, एक झूठी बात पे तुम इस तरह नहीं जा सकती हो घर छोड़ के। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, मैंने जो देखा है वही सच है। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मेरे और फरियाल के बीच में कुछ भी नहीं? मैं आइजल की कसम खा के कह सकता हूं कि मेरे और फरियाल के बीच में कुछ नहीं है। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आइजल की कसम मैं झूठी नहीं खा सकती। इरसा, प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ऐसा जब ऐसी कोई बात नहीं है तो मूड अपसेट करने की जरूरत नहीं। नहीं, I'm sorry अगर तुम्हें अभी बुरा लगा।